ईटीवी भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज़ टाइम की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा की राजधानी में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस ने लूट ईस्ट पॉलिसी अपनाई थी जबकि बीजेपी ने उसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया है। लोकसभा इलेक्शन के पहले मरहले के इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर बड़ा हमला करते हुए उन्हें बदउनवानी का चैंपियन करार दिया है। उन्होंने इलेक्टोरल बांड को दुनिया का सबसे बड़ा घपला कहा। 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की मुहिम आज शाम खत्म हो गई। पहले मरहले में मुल्क की 21 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रामनवमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि भगवान राम की जिंदगी हमें रास्तबाजी और लोगों के बेलोस खिदमत करने की तरगीब देती है। उन्होंने इस मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। श्रीनगर के गंडबल इलाके में मंगल की सुबह दरियाए जहलम में कश्ती उलटने के बाद लापता होने वाले 3 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वसी पैमाने पर आज भी जारी रहा। वाकये में एक खातून और उसके 2 कमसिन बेटों समेत 6 अफराद की मौत वाकई हुई जबकि 3 अफराद हनूज लापता हैं। महाराष्ट्र के साबिक अपोजिशन लीडर एकनाथ खड़से को जान से मारने की धमकी की काल मौसूल हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। एकनाथ खड़से को अब तक मुख्तलिफ नंबरों से मुतअद्दिद धमकी आमेज काल मौसूल हुई है। MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत को गर्मा दिया है। उन्होंने लोकसभा इंतखाबात में अकोला सीट से वंचित बहुजन अघाड़ी के सदर प्रकाश अंबेडकर की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। कबल अजी इम्तियाज जलील ने ओवैसी से प्रकाश अंबेडकर की तायीद करने की ख्वाहिश की थी। छत्तीसगढ़ में कांकेर जिला के छोटे भिटिया में हुए एनकाउंटर को बस्तर रेंज के IG सुंदर राजपी ने सबसे बड़ा नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन करार दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 4 घंटों तक चले एनकाउंटर में 29 माओनवाजों को मार गिराया गया जो अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत राष्ट्रीय समिति के सदर और तेलंगाना के साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव को 5 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के लिए उनके तजही कामेज रिमार्क्स पर नोटिस जारी किया। कांग्रेस रहनुमा निरंजन ने KCR के खिलाफ कमीशन से शिकायत की थी। जुनूबी लिबनान के शहर शहाबिया में इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके और अमल तहरीक का 1 रुकन हलाक और 3 शहरी जख्मी हो गए। लिबनानी फौजी जराए ने यह इत्तला दी। मंगल की शाम इसराइली ड्रोन ने फिजा से सतह पर मार करने वाले 3 मिसाइल दागे जिससे कई दुकानों और 22 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए ETVBharat.com लॉग इन करें।